भारत सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। इम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत अब कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की रकम में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मिलने वाली पेंशन पर पहले तय रकम की सीमा को हटाया जा सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या इससे अधिक है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपए जमा किए जाएंगे। अगर मूल वेतन 10,000 रुपए है तो अंशदान 833 रुपए होगा। इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए ही होनी चाहिए। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ईपीएस नियम के तहत पेंशन के तौर पर 7,500 रुपए मिल सकते हैं। ईपीएफओ के प्रवर्तक भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपए की सीमा खत्म की जाती है तो 7,500 से ज्यादा पेंशन मिल सकती है। यदि किसी का मासिक वेतन पिछले 5 वर्षों के वेतन का औसत 15,000 रुपए है और नौकरी की अवधि 30 वर्ष है तो उसे केवल 6,828 रुपए का प्रतिमाह का पेंशन मिलेगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर लिमिट हटा दी गई तो कितनी मिलेगी पेंशन। अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाए और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 हो जाए तो आपको इसके मुताबिक 8,571 रुपए का पेंशन मिल सकता है। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि ईपीएस की पेंशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले वह ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। सेकंड नंबर यह है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी में होना चाहिए। थर्ड नंबर यह है कि उस व्यक्ति की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह इस पेंशन का लाभ उठा सकता है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले क्या कोई विकल्प है पेंशन लेने का। पहली बार पेंशन लेने पर आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इस पेंशन की सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारी के मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास में 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन निकालने का विकल्प मिलेगा।